यूपी के बलरामपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां कोरोना मरीज के शव को ताप्ती नदी के पुल से फेंक दिया गया। हैरानी की बात यह है कि शव को फेंकने से पहले इसमें पत्थर भी भरे गए। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। श्मशान के कर्मचारी के मुताबिक वो पुल के दूसरी साइड में खड़ा था जब ये शव फेंका जा रहा था। उसका कहना है कि दो लोग शव लेकर आए और शव को पत्थर से बांधा, इसके बाद उसे ताप्ती नदी में फेंक दिया और उसके ठीक बाद गाड़ी घुमाकर निकल गए। इंग्लिश में तो हमसे बोले कि मतलब हमको यहाँ पर काम है। हमने कहा ठीक है। तो हम इस साइड में हम खड़े थे, उस साइड में मतलब चेन खोल कर दो पत्थर डालकर उनको नीचे गिराया गया। वो बीच में गिरे, डूब गए, पूरा गाड़ी घुमा के चले गए। बलरामपुर के CMO डॉक्टर BB सिंह का कहना है कि प्रेमनाथ मिश्रा सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे, जिन्हें 25 मई को भर्ती कराया गया था और उनकी 28 मई को इलाज के दौरान मौत हो गई और शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था, जिन्होंने शव को नदी में फेंक दिया, जिसके बाद उनके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। शव को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि प्रेमनाथ मिश्रा जी सोरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया, दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, शेष कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी ताप्ती नदी में कई शवों को बहाया गया था। ऐसा करने पर लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।